एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. सो टुडे आई एम गोना शेयर अमेजॉन ज्वेलरी हॉल, अमेजॉन ब्यूटी हॉल विद यू गाइज. अभी फेस्टिवल्स बहुत नजदीक हैं और वहां चल रही है सेल. जी हाँ, अमेजॉन पे सेल चल रही है. आपको भी पता है फेस्टिवल वाली, बहुत अच्छी वाली. तो वहां पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. जो भी ज्वेलरी पीसेस मैं आज दिखाने जा रही हूँ, सबके जो लिंक है वो नीचे रहेंगे, प्लस MHS यानी कि माई हॉल स्टोर लिंक भी रहेगा, जहां पे आपको सारी मेरी फेवरेट चीजें देखने मिल जाएंगी. तो अगर इस दिवाली आप भी कुछ ऐसे बाय करना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल बिंदास आप खरीद सकते हो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को क्लिक करके. सारी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल हैं और अभी सेल के टाइम पे आपको और भी रीजनेबल मिल जाएंगी. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इस वाले नेकलेस से. ये नेकलेस बहुत ही ब्यूटिफुल है और सीरियसली गाइज, मतलब इसने मेरा दिल जीत लिया है. बिकॉज ये जो है पूरा मीनाकारी का काम है. मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह का काम है, इसलिए मैंने इयररिंग नहीं पहने हैं, सिर्फ आपको नेकलेस पहन के दिखा रही हूँ. सो इस तरह का कुछ वर्क है पूरे के पूरे नेकलेस पे. फोकस नहीं हो रहा. हाँ, तो ऐसे कुछ काम है बीच में, मीना का काम है. मीना बोलते हैं ना, मीना कुंदन मोती, ग्रीन कलर का मीना. बहुत ब्यूटीफुल, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल वाला नेकलेस है ये. बहुत खूबसूरत लग रहा है पहन के और ये बहुत अच्छा है. सच्ची में फेस्टिवल में किसी साड़ी पे बहुत जमेगा. रेड ग्रीन कोई भी साड़ी या फिर ऐसे कलर्स है ना जो किसी भी साड़ी के साथ जाते हैं. बहुत सुंदर नेकलेस है विद इयररिंग्स और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. इसके बाद में ये एक है जो कि काफी फेस्टिवल टाइप लगता है. रिंग के साथ ब्रेसलेट अटैच है. एक ये है और एक ये है. बंद हो जाते हैं ये. यहाँ पे इनका लॉक है. ठीक है, ये एडजस्टेबल रिंग है. दोनों की रिंग्स जो है वो एडजस्टेबल है और देखो आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं. ये फेस्टिवल में कितना खूबसूरत लगेगा, लाइक अगर आपने साड़ी पे कंबाइन किया. सो ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. इसका लिंक भी नीचे रहेगा, चेक कर लेना. दोनों का बहुत ही खूबसूरत है. ये भी बहुत सुंदर है. देखिए पूरा यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, कुंदन है और यहाँ पे पूरा बड़ा सा डायमंड है रेड कलर का, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. इस वाले नेल प्रिंट की बात करूं तो जी हाँ, ये मैंने करवा चौथ के लिए लिया था और ये 9to5 लक्मे ब्रांड से है और ज्यादातर सब मेरे ब्लॉग में जरूर पूछेंगे, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे शेयर कर दूं आपके साथ. तो ये वाला है और मुझे बहुत अच्छा लगा है. देखिए, और 9to5 ये जो ब्रांड के नेल कलर्स हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज इनका कलर जल्दी से नहीं निकलता, काफी स्टे करता है. सो काफी ब्राइट रेड कलर है जो कि फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगता है, चाहे दिवाली हो, करवा चौथ हो या कोई भी फेस्टिवल हो. लेडीज के ऊपर साड़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है. सो ये तीनों चारों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, चाहे बात हो इसकी या इन दोनों रिंग कम ब्रेसलेट. रिंग के साथ ब्रेसलेट अटैच है, बहुत सुंदर, बहुत यूनिक और बहुत ही ज्यादा फेस्टिव काइंड ऑफ है. या फिर वेडिंग फंक्शन में भी आप पहन सकते हो और साथ में नेल प्रिंट ने भी मजा लगा दिया हाथों में. सच्ची में बहुत ही अच्छा लग रहा है. इसके बाद में कुछ और भी चीजें हैं मेरे पास. जी हाँ, कुछ और भी ब्रेसलेट हैं जो कि मैं आपको राइट हियर पहन के भी दिखाऊंगी. तो ये भी बिल्कुल ट्रेडिशनल है. जितनी भी ज्वेलरी मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ, बिल्कुल जो हम वुमेन चाहते हैं फेस्टिवल्स में पहनना और बिल्कुल ट्रेडिशनल काइंड ऑफ, वो सारी उठाई है मैंने. एक भी चीज़ इसमें वो नहीं है जो आप वेस्टर्न पे पहनोगे, सबका सब आपका ट्रेडिशनल पे पहनने वाला है. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेसलेट्स. दो ब्रेसलेट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगे मुझे, मतलब बहुत सुंदर, यानी बहुत ही सुंदर है, मतलब समथिंग डिफरेंट है. और ये साड़ी पे तो बहुत अच्छे लगेंगे. पर्ल है, कुंदन है, डायमंड्स है और ये देखिए साइड पे मोती. जब आप इसको यहाँ पे बांधोगे ना तो पीछे ऐसे मोती लटकेगा. कितना सुंदर डिजाइन है, आप खुद ही देख लो. ये हाथ पे डल के कितना खूबसूरत लगने वाला है. माय गॉड, बहुत ही सुंदर लगेगा. बहुत खूबसूरत एक ब्रेसलेट है जो कि साड़ी वाड़ी पे फेस्टिवल में या वेडिंग सीजन में बहुत अच्छा लगेगा. ये साइड पे टंगा हुआ है ऐसे और ये काफी रीजनेबल है. आप उसके लिए मेरा एक बार MHS स्टोर जो है नीचे, मतलब माय हॉल स्टोर लिंक जो है उसको एक बार चेक जरूर करना. तो वहां पे आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी और प्राइस भी वहीं पे मेंशन होगा नीचे. ठीक है, तो एक ही वाला है. ये दो का कॉम्बो पैक आया है एक्चुअली और ये एक ही वाला है. इसका भी डिजाइन बड़ा ही प्यारा है और इसमें भी एक साइड पे देखिए ऐसे मोती से लटके हुए हैं, तो काफी खूबसूरत है. और ये भी लगा के बड़ा ही सुंदर लगेगा. तो मतलब दोनों फेस्टिवल टाइप ऑफ हैं. दोनों ही ब्रेसलेट में बोलूं तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं. इसके बाद में बात करते हैं, यस, ये रिंग मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये रिंग मेरी एक्चुअली मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रखी गई थी, तो मैंने दोबारा से मंगवाई है.
मुझे ये बहुत पसंद आई थी, बहुत यानी बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अपनी गोल्ड की रिंग अभी पहनी हुई है, निकाल के आपको ये पहन के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और ये बहुत सस्ती है, आई थिंक 100-200 के नीचे नीचे की है ये। इस तरह से देखिए, है ना सुंदर। ये सेकंड टाइम मैं शेयर कर रही हूँ, पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, है ना खूबसूरत रिंग, बहुत ही प्यारी सी रिंग है। इसका भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक मंगलसूत्र है, बहुत ही सुंदर सा। और मंगलसूत्र वैसे जनरली लोग गोल्ड का ही पहनते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल भी कभी कभी डिज़ाइन चेंज करने के लिए, मतलब यू नो हमेशा हम गोल्ड का ही पहनते हैं तो गोल्ड के तो हम इतने सारे नहीं बनवा सकते, लेकिन हाँ हम आर्टिफिशियल पहन के हमारा डिज़ाइन चेंज करने का जो एक इच्छा होती है वो पूरी कर सकते हैं। तो कितना सुंदर डिज़ाइन है देखो आप, इसमें नग लगे हुए हैं और रेड कलर का ये लगा हुआ है। ये भी मतलब जैसे फेस्टिवल में आप डाल लो गले में थोड़े से चेंज के लिए, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मंगलसूत्र है। और इसके साथ में आए हैं छोटे छोटे से इयररिंग्स, ये भी काफ़ी सुंदर है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद एक और मंगलसूत्र है जो कि अगेन बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये मुझे सिर्फ मंगलसूत्र रिसीव हुआ है, इसमें मुझे कोई इयररिंग्स रिसीव नहीं हुए हैं, बट फिर भी ये है तो बहुत ही खूबसूरत। काफ़ी डिफरेंट सा डिज़ाइन है, गोल्ड कलर का गोल्ड पेंडेंट है यहाँ पे और नीचे ग्रीन कलर का मोती है, और काफ़ी लंबा है ये, काफ़ी लंबा है। थोड़ा सा अलग लगता है ना कभी कभी ऐसे डिज़ाइन चेंज करो मंगलसूत्र के, और बहुत रीजनेबल है गाइस, बहुत रीजनेबल है। सो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसके बाद है ये वाला एक नेकलेस, बहुत ही सुंदर है ये भी, और ये भी फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं आपको भी डाल के दिखाती हूँ, पूरा का पूरा गला इसने मेरा भर दिया है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाव, ये बहुत खूबसूरत है, इसमें पूरा कुंदन नग और ये नीचे पर्ल्स है जो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इसके साथ इयररिंग्स बहुत ही सुंदर है, है ना खूबसूरत इयररिंग्स, बहुत ही सुंदर है। तो ये नेकलेस पीस भी इन फेस्टिवल्स आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब एक लास्ट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम भूलते नहीं है हमारा हेयर कलर करना। जी हाँ, हर कोई हेयर कलर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको मेरा फेवरेट कलर शेयर कर रही हूँ, आपको पहले भी शेयर किया मैंने, लेकिन बार बार ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं करती हूँ तो फिर दोबारा से मंगवाना पड़ता है। तो ये है लॉरियल का एक्सेलेंस, लॉरियल पैरिस का एक्सेलेंस हेयर कलर 3 नंबर डार्क ब्राउन शेड, 3 नंबर है ये जो मैं करती हूँ। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप कौन सा हेयर कलर करते हो, तो ये करती हूँ। वैसे जनरली मैं मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कलर भी लगा लेती हूँ, जैसे कि आगे मेरे ग्रेज हैं जो कि अभी मेहंदी लगी है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कई बार दिखाई देते हैं, तो फिर मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ। ये इसका भी मैं लिंक नीचे आपको छोड़ दूंगी। सो आज का हॉल यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज हॉल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, माय हॉल स्टोर लिंक है, दोनों चेक कर लेना। ये बहुत अमेजिंग है, फेस्टिवल में वेडिंग फंक्शन में बहुत अमेजिंग लगने वाला है सब कुछ। सो डू चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फेस्टिवल सीजन है, वहाँ सेल चल रही है, जो भी बाय करना है जल्दी से बाय कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Love you. Take care. Bye-bye.